हाय फ्रेंड्स, माय कंप्यूटर स्किल्स कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कंप्यूटर क्लास का हमारा नेक्स्ट हम पार्ट देखने जा रहे हैं एमएस एक्सेस का। वो पार्ट एमएस एक्सेस पार्ट 3 है और यूनिट 12-20 के अंदर देखने जा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे। एमएस एक्सेस पार्ट 2 में हमने पढ़ा था डाटा शीट व्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टेबल है वो डिज़ाइनिंग व्यू, क्रिएट ए न्यू टेबल इन डिज़ाइनिंग व्यू। डिज़ाइनिंग व्यू के बारे में आज समझेंगे कि सेकेंड नंबर की टेबल इसमें क्या दिया हुआ है। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाना होगा। चलिए हम देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसका प्रैक्टिकल किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें, तो एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर लिया। आज मैं इसमें बनी हुई फाइल को ओपन कैसे करना वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो इधर देखिए, आप साइट में एक विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो के अंदर आपको जो पहले टेबल का डाटाबेस आपने बनाया था, तो यहाँ पर देखिए वेलकम नाम का जो पहले वाला मेरा डाटाबेस एक मैंने बनाया था, पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा क्या फाइल को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर डाटाबेस ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको आपको ओपन करना है। जिसे आप ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पर सामने वेलकम नाम का डाटाबेस एमएस एक्सेस दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार इस फाइल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन पर जाएंगे, ये हमारा डाटाबेस था जिसके हम बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं इस डाटाबेस को यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ और अब हम सेकेंड जो हमारी डाटा शीट व्यू है डिज़ाइनिंग व्यू उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर न्यू ऑप्शंस पर क्लिक करना है। न्यू ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद जो सेकेंड वाली जो टेबल है डिज़ाइनिंग व्यू, इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट ए न्यू टेबल्स इन डिज़ाइनिंग व्यू ऑप्शंस को ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी। फ्रेंड्स, इस टेबल के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टेबल के अंदर जब हमने कोई डाटाबेस फिट किया था, यानी कि किसी भी एंटिटी को जब इसके अंदर फिट किया था, तो हमने किसी भी प्रकार का कोई उसे डाटा टाइप से नहीं दिया था। इस टेबल के अंदर डिज़ाइनिंग व्यू के अंदर कोई भी डाटाबेस बनाने से पहले आपको उस डाटाबेस का डाटा टाइप हमें देना होगा, जो भी फील्ड हम इसमें फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से डाटा टाइप से इसमें हम फिट करने वाले हैं, उनके डाटा टाइप के कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं डाटा डालना चाह रहा हूँ EMP एम्प्लॉय नंबर। जैसे नंबर पर मैंने क्लिक किया तो इधर सामने देखिए आपको डाटा टाइप्स के पास में यहाँ पर फिल्टर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास सामने अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर नंबर पर क्लिक करूँगा। जैसे नंबर पर क्लिक करूँगा तो ये डाटा टाइप इस एम्प्लॉय नंबर ऑप्शन के सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड मेरा जो डाटा टाइप से वो है नेम, NME नेम, और नेम में लिखना चाह रहा हूँ टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर मेरा नाम आएगा, मैं वो रखना चाह रहा हूँ। इसके बाद एड्रेस में रख रहा हूँ, एड्रेस डाटा टाइप के सामने मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। एड्रेस डाटा टाइप के पास में मैं रखना चाह रहा हूँ मेमो, और एड्रेस के बाद मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ सैलरी में रखना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करेंसी के अंदर आ जाएगी सैलरी हमारी, क्योंकि हम करेंसी के अकॉर्डिंग यदि सैलरी लेना चाह रहे हैं तो वो करेंसी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर इमेज लेने के लिए मुझे यहाँ पर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ, फाइल डाटा टाइप्स, और फाइल के अलग अलग फाइल के मुझे लिंक करवाना है। तो यहाँ पर डाटा टाइप्स में जाके मैं हाइपर लिंक ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने डाटा टाइप्स ले लिए। फ्रेंड्स, जितनी ज़रूरत हो आपको टेबल के अंदर उतने डाटा टाइप्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट किया और उन डाटा टाइप्स के जो डाटा फील्ड है उस फील्ड की डाटा टाइप से वो भी मैंने यहाँ पर आपके सामने इसमें शो कर दिए हैं। अब मैं इस फील्ड को सेव करूँगा, इसको कंट्रोल एस कर इस फील्ड को आपको सेव करना है।
कंट्रोल एस करना है और यहाँ पर टेबल नंबर वन दिखाई दे रही है, तो मैं इसको सोनू नाम की टेबल से इसको सेव करूँगा। सोनू टेबल के नाम से इस टेबल को मैंने यहाँ पे सेव किया। ये बोला देयर इज़ ए नो प्राइमरी की आइडेंटिफाई, मैंने बोला नो और इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। तो देखिए यहाँ पर सोनू नाम का टेबल बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अभी टेबल तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने टेबल के अंदर जो फील्ड दिए हैं उनके टाइटल दिए हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसको ओपन कर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी फील्ड के मैंने अभी टाइटल दिया, ना कि कोई डाटाबेस इसके अंदर अभी एंटर किया है। चलिए हम इसको डाटा टाइप से एक एक कर इस टेबल के अंदर डाटा टाइप्स को फिट करते हैं। एम्प्लॉय नंबर वन जो फील्ड है इसके अंदर हम 01 करके एक नंबर डालूँगा मैं, और यहाँ पर मैंने नाम लिखा है रोहन, इसका एड्रेस लिख दिया हमने भोपाल, और सैलरी यहाँ पर लिख दिया मैंने इसका 12,000। अब फ्रेंड्स यहाँ से मुझे लाना है इमेज, तो इमेज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यू ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में आप जहाँ पर भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इस के अंदर लेके आना चाह रहे हैं वहाँ से ला सकते हैं। मैं बिटमैप इमेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं एक छोटा सा इसके अंदर पिक्चर बनाऊँगा, और पिक्चर बनाने के बाद मैं इसे यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाऊँगा अभी आपको इसे करना है। और यहाँ से कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से आपको एक कोई सा भी ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप से मैंने कि यहाँ पर इमेज है उसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करते ही यहाँ पर इमेज का लिंक यहाँ पर आपके सामने आ गया। अब फाइल कैसे, हाइपरलिंक वाली फ़ाइल मैंने यहाँ पर दी हुई है, अब इसके हाइपरलिंक की फ़ाइल अटैच करना यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइपरलिंक पर जाना है, और यहाँ पर आपको हाइपरलिंक कहाँ पर करना है, तो यहाँ से ओपन हाइपरलिंक, सॉरी यहाँ पर हाइपरलिंक पर जाना और एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करिए, और जिस टेबल से आपको लिंक करना है उस टेबल पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ ये अकाउंट्स नाम की एक फ़ाइल है मेरी, या एप्लीकेशन नाम से एक फ़ाइल है, इस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर जाने के बाद इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए इस टाइप से आपके सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ गई। मैं एक रिकॉर्ड और फिट कर देता हूँ आपके सामने और चला के दिखाता हूँ कैसे इसके अंदर डाटाबेस को फिट करते हैं। 02 और यहाँ पर नाम लिख दें अपन मोहन, और ये है इंदौर का रहने वाला है, और यहाँ पर इसकी सैलरी 8,000, और इसको मैं इमेज में जाना है यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में फिर मैं यहाँ से बिट में भी मैं इसे पिक्चर लेना चाह रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ाऊँगा, और मुझे यहाँ पर जो भी इमेज लेना है इस टाइप से मैं इमेज यहाँ पर बना लूँगा, और जो भी इमेज इसके अंदर मुझे कलर डालना है, मैं कलर डालने के बाद इन फाइल को मुझे क्लोज़ करना है। क्लोज़ कर दिया तो इस टाइप से एड्रेस आपके सामने यहाँ शो होने लगा, और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाइपरलिंक, यहाँ से एडिट हाइपरलिंक, और कोई सी वेब फाइल से यहाँ पर लिंक हमें करना है, और यहाँ पर मैं एक इमेज जो है इमेज से इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी इमेज लिंक हो गई, इस टाइप से हो गई। डाटा फिट करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको कंट्रोल एस से इसको सेव करना है। कंट्रोल एस से यहाँ पर डाटाबेस को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप से आपने देखा कि डिज़ाइनिंग व्यू जो टेबल होती है उसके अंदर डाटा बेस को कैसे बनाया जाता है, डाटा बेस को फिट कैसे किया जाता है,
और किस टाइप के यहाँ पर डाटाबेस को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि डिज़ाइन व्यू जो टेबल होती है उसके अंदर कैसे टेबल को बनाया जाता है और किस टाइप से उसमें डाटा टाइप्स को फिट किया जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसमें कमेंट्स करिए। आपको वीडियो अच्छा लगे आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं, ताकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए एक बार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।